हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में हम एम्स नॉर्थ सेट के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस नॉर्थ सेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग इज, एंड द ऑप्शंस आर इमोबिलाइजेशन, कैल्शियम सप्लीमेंट, एक्सरसाइज और एंटीबायोटिक्स। मतलब कि फ्रैक्चर हीलिंग में इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इमोबिलाइजेशन। तो किसी भी फ्रैक्चर को हील करने के लिए इमोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हम हमेशा फ्रैक्चर में कास्ट लगाते हैं ताकि जो बोन की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहे और जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी हो सके। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स आर इम्पोर्टेंट ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। कैल्शियम सप्लीमेंट भी जरूरी है पेशेंट के लिए। एंड एक्सरसाइज जो है वो हम तब तक नहीं बोलते जब तक कि हम पेशेंट का कास्ट लगा हुआ है। एक बार कास्ट जब उतर जाता है तो उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है ताकि जहाँ का भी फ्रैक्चर था वहां पे हम मसल्स को स्ट्रेंथन कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉम्प्लिकेशन मे बी सीन इन बर्न पेशेंट, एंड द ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्चर, डीवीटी दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेरिकोस वेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, सो जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स ऐसा कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को पहले से ही हेल्थ एजुकेशन देनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज, एंड द ऑप्शंस आर एचसीजी, पाल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राम और AFP दैट इज अल्फा फीटो प्रोटीन। सो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा दैट विल बी अल्ट्रासोनोग्राम, मतलब USG विल बी द कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द नर्स मस्ट ऑब्जर्व इन एन इन्फेंट विद शॉक, कि अगर कोई बच्चा है वो शॉक की स्टेज में है तो हमने कौन सा पैरामीटर देखना है? एंड द ऑप्शंस आर यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट, वेट और रेस्पिरेशन। सो जब भी शॉक होगा तो अगर हम हमारा हिमोवॉल्यूमिक शॉक की बात करते हैं तो उसमें जो पेशेंट है, जो बच्चा होगा, उसमें जो हार्ट रेट होगी दैट विल बी मोर, द चाइल्ड विल बी प्रेजेंट विद टेकीकार्डिया एंड अलॉन्ग विद दैट हाइपोटेंशन विल बी देयर और डिक्रीज बीपी विल बी देयर। सो फॉर दिस, इन दिस केस लाइक द चाइल्ड इज इन द शॉक तो हम यूरिन आउटपुट देखेंगे। यूरिन आउटपुट विल बी द प्रायोरिटी बिकॉज हमने देखना है कि जो रीनल परफ्यूजन है वो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि जब भी बच्चे को शॉक होगा और इन द कंडीशन ऑफ शॉक जो हमारा परफ्यूजन हो जाता है दैट विल बी पुअर, एंड जो हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, तो दैट्स वाई यूरिन आउटपुट जो हमारा रहेगा दैट विल बी द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द रीनल परफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट इज, विच वैल्यू ऑफ HbA1c इन अ डायबिटिक पेशेंट इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड ब्लड शुगर लेवल, एंड द ऑप्शंस आर 2.5%, ऑप्शन नंबर बी इज 6.5%, ऑप्शन नंबर सी इज 8.5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 11। तो अगर हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट में, सो जो हमारा HbA1c है दैट इज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि हम एवरी 3 मंथ करते हैं टू चेक कि पेशेंट की जो शुगर है वो कितनी है, तो इसमें जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है दैट शुड बी बिलो 5.7। एंड अगर किसी भी पेशेंट की वैल्यू बिटवीन 5.7 टू 6.4 है दैट इंडिकेट दैट द पेशेंट इज प्री डायबिटिक, एंड इफ इट इज मोर देन 6.5 देन इट इंडिकेट्स कि द पेशेंट इज डायबिटिक। सो फॉर द पेशेंट हु इज डायबिटिक एंड द गुड ब्लड शुगर कंट्रोल इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6.5। अगर पेशेंट की शुगर 6.5% आ रही है HbA1c दैट सजेस्ट कि जो उसका डायबिटिक कंट्रोल है वो अच्छा है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, सी नहीं है। ठीक है, 6.5 होना चाहिए इसका आंसर, बिकॉज 8.5, क्योंकि 6.5 से ज्यादा तो हम बोल रहे हैं कि पेशेंट डायबिटिक है, सो आइडियली शुड बी लेस देन 6.5। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किजोफ्रेनिया एंड द ऑप्शंस आर स्टुपर, एपैथी, डिल्यूजन और एलोगिया। तो अगर हम स्किजोफ्रेनिया की बात करते हैं तो स्किजोफ्रेनिया में हमारे पास दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वन इज पॉजिटिव सिम्टम एंड वन इज नेगेटिव सिम्टम। एंड जो हमारे ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स क्या है। तो इसमें जो हमारा पॉजिटिव सिम्टम रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेल्यूजन। सो दैट इज द फर्स्ट फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स, ठीक है, जो हमें डेल्यूजन जो है वो हमें स्किजोफ्रेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है। तो हम कैसे इसको याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम है? तो पॉजिटिव सिम्टम मतलब जो कि बॉडी में एड ऑन हो रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन दे आर एडिंग ऑन, एंड नेगेटिव सिम्टम्स की जो बॉडी से डिलीट हो रहे हैं, मतलब नॉर्मली वो पेशेंट में होने चाहिए बट दे आर डिलीटिंग, लाइक एपैथी। हम सभी में इमोशंस होने चाहिए लेकिन इन द स्किजोफ्रेनिक पेशेंट इफ एपैथी इज देयर, मतलब कि इमोशंस जो है वो कम हो रहे हैं, तो दैट सजेस्ट नेगेटिव सिम्टम। सो एपैथी इज अ नेगेटिव सिम्टम। सो डिल्यूजन क्या है? एड ऑन, कि पेशेंट में फॉल्स फिक्स बिलीव्स एड ऑन हो रहे हैं, दैट कैन बी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, दैट कैन बी पैरानॉइड डिल्यूजन, तो दैट इज द पॉजिटिव सिम्टम। सेम लाइक हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में भी क्या पेशेंट को एक्स्ट्रा विजन मतलब एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जो चीज प्रेजेंट नहीं है वो भी दिखाई दे रही है जो कि बाकी लोगों में नहीं दिखाई देती है, तो अगेन दैट इज एक्स्ट्रा, दैट थिंग इज एडिंग इन द पेशेंट। तो हेलुसिनेशन भी जो है दैट इज अ पॉजिटिव सिम्टम। नाउ द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इज, एंड द ऑप्शन आर वाटर डायरिया, जेली लाइक स्टूल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो पाइलोरिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन का सॉरी स्टमक का पार्ट है ये। सो जब वहां पे स्टिनोसिस हो जाएगी मतलब नैरोइंग हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमें पेशेंट में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट विच कंडीशन, एंड द ऑप्शंस आर फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मेच्योरिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और इंट्रा यूट्राइन डेथ। सो हमारा जो नॉर्मल हमारा एमनियोटिक फ्लूड होता है उसका बेसिकली कोई कलर नहीं होता है, दैट इज कलरलेस। सो अगर गोल्डन कलर प्रेजेंट है तो दैट सजेस्ट कि देयर इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। सो ड्यू टू द लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल जो एमनियोटिक फ्लूड है वो गोल्डन कलर का हो जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, मतलब कि जब भी फीटल डिस्ट्रेस होगा तो इन दैट केस वी विल हैव मीथियोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस की वजह से क्या है कि बच्चे ने मीथियोनियम पास कर दिया है, उसकी वजह से ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड विल बी देयर। एंड इन केस ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, पोस्ट मेच्योरिटी में ग्रीन जो होगा ग्रीनिश येलो एमनियोटिक फ्लूइड विल बी देयर, एंड वेयर इज इन द इंट्रा यूट्राइन डेथ डार्क ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड विल बी प्रेजेंट। नाउ द नेक्स्ट इज कीगल एक्सरसाइजेस यूज आफ्टर डिलीवरी टू, एंड द ऑप्शन आर स्ट्रेंथनिंग यूरिन यूरिनरी मसल्स, रेक्टर मसल्स, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ एबडोमिनल मसल्स, ऑप्शन नंबर सी इज सब एवोल्यूशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। तो कीगल एक्सरसाइजेस बेसिकली हम इन द पोस्ट पार्टम पीरियड मदर को बताते हैं करने के लिए, एंड जो मेन फंक्शन होता है दैट इज टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल, जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम बताते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रेंथनिंग यूरिनरी मसल्स एंड रेक्टल मसल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर करेक्टराइज्ड बाय लो मूड फॉर एटलीस्ट। सो अगर हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स की बात करते हैं तो उसमें पेशेंट का जो लो मूड रहेगा दैट विल बी फॉर हाउ मेनी वीक्स, तो फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक और 8 वीक, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी पेशेंट का जो लो मूड है इफ इट इज 2 वीक्स और मोर देन 2 वीक्स देन वी विल से दैट द पेशेंट इज हैविंग मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स। नाउ द नेक्स्ट इज
फॉलिक एसिड प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज एंड द ऑप्शंस आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, डाउन सिंड्रोम और कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। सो फॉलिक एसिड बेसिकली हम मदर को देते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ मदर को बोलते हैं कंज्यूम करने के लिए। एंड प्री कंसेप्शन भी हम बोलते हैं कि अगर कोई भी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा है तो पहले से ही फॉलिक एसिड कंजप्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज इट प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द न्यू बॉर्न। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्रेडीकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी। सो इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि ब्रेडीकार्डिया, दैट इज डिक्रीज हार्ट रेट को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज सक्सिनाइल कोलिन, ऑप्शन नंबर बी इज नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज अमायड्रोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एट्रोपिन। सो द राइट आंसर इज एट्रोपिन। सो एट्रोपिन हमारा क्या है, इट इज एंटी कोलिनर्जिक एंड ये हम सॉरी सर्जरी से पहले पेशेंट को देते हैं टू डिक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन सच एज सलाइवा एंड ड्यूरिंग एनेस्थीजिया एंड सर्जरी। एट्रोपिन इज यूज्ड टू हेल्प कीप द हार्ट रेट नॉर्मल, सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन ड्यूरिंग सर्जरी। नाउ द नेक्स्ट इज, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद, एंड द ऑप्शंस आर प्लासेंटा प्रीविया, आइडेंटिटी फॉर्म मोल, मोलर प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो अगर हम एंटीपार्टम हेमरेज की बात करते हैं, मतलब कि जो डिलीवरी से पहले हो रहे हैं, तो दे वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज प्लासेंटा प्रीविया एंड अदर वन इज अब्रप्शियो प्लासेंटा। सो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज प्लासेंटा प्रीविया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगर यही पेशेंट को पेनफुल ब्लीडिंग है और ऑन टचिंग इफ द यूट्रस इज वेरी हार्ड, then that condition is known as abruptio placenta, जिसमें कि क्या है, there is the premature rupture of a premature separation of the placenta and in the placenta previa it is the low lying placement or implantation of the placenta. Now the next is, in general anesthesia which of the following sensation disappear at last, and the options are pupil response, consciousness, pain response or hearing. सो कौन सी सेंसेशन है जो जनरल एनेस्थीजिया में सबसे लास्ट में डिसअपियर होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट है, एसाइटिस अकर ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपर एल्बुमिनिया, हाइपर किलीमिया और हाइपो किलीमिया। तो एसाइटिस क्या है, एसाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एंड बेसिकली जो हमारे पास लीवर फेलियर के पेशेंट आते हैं, जब सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट आते हैं, उन्हें उनमें हमें एसाइटिस देखने को मिलता है, एंड दैट अकर ड्यू टू हाइपो एल्बुमिन यूरिया। मतलब कि जब भी हमारे ब्लड में एल्बुमिन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो दैट विल लीड टू एसाइटिस। नाउ द नेक्स्ट इज, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ in a term newborn is, and the options are 70 to 110 beats per minute, 80 to 100 beats per minute, 100 to 120 beats per minute or 120 to 160 beats per minute. So the right answer is option number D, that is 120 to 160 beats per minute. And if it is more than 160 and less than 120, so it suggests ki there is fetal distress. So then immediately the mother should be sent for cesarean section. Now the next is, which of the following is negative symptom of schizophrenia? And the options are delusion, option number B is anhedonia, option number C is hallucination, and option number D is clang association. So already ये हमने भी discuss किया था कि negative symptom और positive symptom को हम कैसे कर सकते हैं। So अगर हम इसमें देखते हैं negative symptom क्या थे, कि जो हमारी body से delete हो रहे हैं, कि पहले हम वो करते थे लाइक एपैथी, इमोशंस थे लेकिन वो डिलीट हो गए, जो पर्सन है वो एपैथिक हो गया, इमोशन लेस हो गया, तो मींस दैट सिम्टम्स आर डिलीटिंग फ्रॉम द बॉडी, तो दे आर द नेगेटिव सिम्टम। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हमारी बॉडी में ऐड हो रही हैं, पर्सन में ऐड हो रही हैं, लाइक डिल्यूजन हो गया हमारा, ये हेलुसिनेशन हो गया, तो दैट विल बी द पॉजिटिव सिम्टम।
सो नेगेटिव सिम्टम में हमारा इसमें क्या आएगा, दैट विल बी एनीडोनिया. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सो एनीडोनिया क्या है कि जो काम करने में हमें पहले खुशी मिलती थी, अब वो खुशी हमें वो काम करने में नहीं मिलती है. मीन्स दैट प्लेजर वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द वर्क दैट वी वर गेटिंग प्रीवियसली. सो दैट कंडीशन इज नोन एज एनीडोनिया. तो एनीडोनिया इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किजोफेनिया. नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. इनमें से कौन सा है जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है. एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज कीटामाइन, ऑप्शन नंबर बी इज पेंथोल सोडियम, ऑप्शन नंबर सी इज एट्रोपिन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज फेंटनिल. तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेंथोल सोडियम. किटामाइन हमारा एनेस्थीजिया, ऐसे एनेस्थीजिया वी आर यूजिंग. एट्रोपिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक है, एंड फेंटेनिल इज अ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. नाउ द नेक्स्ट इज, कलर कोड ऑफ कैनुला यूज फॉर चाइल्ड इज, एंड द ऑप्शंस आर पिंक, ब्लू, ग्रीन और येलो. सो बच्चों में हम बेसिकली कौन सा यूज करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी येलो, दैट इज 24 गोज. ब्लू हमारा 22 गोज का होता है, पिंक हमारा 20 गोज का है, और ग्रीन हमारा 18 गोज का है. तो जैसे जैसे हमारा गोज कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो आईवी फ्लूइड का फ्लो रेट है वो भी कम होता जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेफर्ड एज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड आफ्टर डैश आवर्स ऑफ एडमिशन. एंड द ऑप्शंस आर 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स और आफ्टर डिस्चार्ज. सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी. एंड द ऑप्शंस आर मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन और एपिजियोटमी. सो इन केस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इनमें से कौन सा है जो हमने नहीं करना है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन. तो बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर, हम मदर को मिथर्जिन एडमिनिस्टर करते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी हमने मिथर्जिन नहीं लगाना है. जब सेकेंड बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही हमने मदर को मिथर्जिन लगाना है. सो बाकी हम सारे करेंगे, कॉर्ड क्लैंपिंग भी करेंगे, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे और एपिजोटमी भी मदर को देंगे. नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव हेमरेज इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. एंड द ऑप्शंस आर ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, यूट्राइन मसाज, मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन और राइट मीडियोलेटरल एपिजोटमी. सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सेसिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन भी हम देंगे बिकॉज दे आर द अर्गोमेट्रिन्स, एंड यूट्राइन मसाज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि जो हमारा यूट्रस है वो फर्म हो जाए. इटोनिक यूट्रस केस में हम मदर को यूट्राइन मसाज देते हैं. वेयर एज राइट मीडियोलेटरल एपिजोटमी जो है ये हमारे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का स्टेप है. एंड मीडियोलेटरल एपिजोटमी हम मदर को देते हैं ताकि जो हमारा बर्थ केनाल है हम उसको वाइड कर सके. नाउ द नेक्स्ट इज, इन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन. एंड द ऑप्शंस आर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और राइट अपर क्वाड्रेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट लोअर क्वाड्रेंट. क्योंकि जो हमारा अपेंडिक्स है वो हमारे सीकम के साथ होता है. सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसी के साथ हमारा अपेंडिक्स होता है एंड विच इज सिचुएटेड ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट. नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड वेन पेशेंट इज ऑन MAOI. एंड द ऑप्शंस आर कैल्शियम रिच फूड, थायरामाइन कंटेनिंग फूड, ग्लूटेन रिच फूड और एनानाइन कंटेनिंग फूड. सो जो हमारा MAOI है दैट इज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. एंड बेसिकली हम ये पेशेंट को डिप्रेशन के केसेस में देते हैं. ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन. एंड इसमें हम पेशेंट को किस तरीके की डाइट है जो प्रिवेंट बोलते हैं कि नहीं लेनी है. सो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज थायरामाइन कंटेनिंग फूड। ठीक है, हम पेशेंट को, जो पेशेंट हमारे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की थेरेपी पे होते हैं, उनको हम टायरामिन रिच फूड खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो हमारा टायरामाइन है, इट इज अ अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, तो जब भी, और बेसिकली जो टायरामाइन है, दैट विल हेल्प इन रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड जो हमारा ये है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, दे विल हेल्प इन ब्लॉकिंग द मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, जो कि हमारे टायरामाइन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो अगर हम पेशेंट MAOI ले रहा है, तो उस केस में क्या है कि बॉडी, पेशेंट की बॉडी में ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ दिस ड्रग, जो टायरामाइन है, उसका लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और पेशेंट जो है उसमें हमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। सो देयर विल बी द इंक्रीज इन द स्पाइक ऑफ ब्लड प्रेशर, एंड इन इमरजेंसी रिक्वायर इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज नीडेड। एंड नाउ अगर हम बात करें कि टायरामाइन किस किस में प्रेजेंट होता है, तो ये जैसे हमारे पास हो गया एज्ड चीज हो गया, उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मीट हो गए, उनमें होगा। पिकल्ड और फर्मेंटेड फूड हो गया, सॉसेस हो गया, सोयाबीन। ठीक है, देन ड्राइड और ओवर रिप फ्रूट सच एज हमारे, जैसे किशमिश हो गई। ठीक है, इसमें भी हमारा टायरामिन कंटेंट हाई होता है। अल्कोहलिक बीवरेजेस सच एज बियर हो गया, रेड वाइन, इन सब में हमारा टायरामिन इन बहुत ज्यादा होता है अमाउंट में। तो इसलिए अगर पेशेंट हमारा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी पे है, तो हम ये फूड पेशेंट को लेने के लिए मना करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोस वेन इज, एंड द ऑप्शंस आर होमन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज वेबर टेस्ट, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। तो वेरिकोस वेन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट इज, एंड द ऑप्शंस आर 4 ml इनटू बर्न सरफेस एरिया इनटू वेट ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी इज 3 ml इनटू बर्न सरफेस एरिया इनटू वेट ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी इज 2 ml इनटू बर्न सरफेस एरिया इनटू वेट ऑफ द पेशेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1 ml इनटू बर्न सरफेस एरिया इनटू वेट ऑफ द पेशेंट। सो पार्कलैंड फॉर्मूला बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर बर्न रिससिटेशन फ्लूइड थेरेपी, एंड इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 ml इंटू बर्न सर्फेस एरिया इंटू वेट ऑफ द पेशेंट। नाउ द नेक्स्ट इज प्रायरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज ग्रीन बार्न सिंड्रोम इज, एंड द ऑप्शंस आर मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीदिंग पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी इज न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अर्ली मोबिलिटी। सो अगर पेशेंट हमारे पास ग्यूरिन बार बार सिंड्रोम का है, GB सिंड्रोम का है, तो उस केस में हमने पेशेंट को जो मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, दैट विल बी व्हाट? सो द राइट आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज लैक्टेशन एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन लैक्टेटिंग मदर फॉर हाउ मेनी डेज, एंड द ऑप्शंस आर 42 days, 60 days, 75 days और 90 days। सो एज वी नो कि लैक्टेशन से क्या है, इट विल इनहिबिट द ओवुलेशन, अगर ओवुलेशन नहीं होगा, सो द मदर विल बी हैविंग एमेनोरिया, विच इज अ लैक्टेशनल एमेनोरिया, इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बट ये कितने कितने दिन तक जो है इफेक्टिव हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 90 days तक, वो भी तब अगर मदर डे एंड नाइट बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग विल इनहिबिट द ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंसेस नहीं आएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इन अ बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, पैरालिटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, एंड एनजी ड्रेनेज। सो इन केस ऑफ बर्न पेशेंट जो फ्लूइड लॉस होता है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, तो उसमें क्या होगा कि जितना भी हमारा प्लाज्मा होगा, दैट विल बी एक्यूमुलेटेड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और हमारा जो प्लाज्मा है वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, सेल्स के बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद एडिमा।
नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यू बॉर्न एंड द ऑप्शन आर पासिंग यूरिन 8 to 10 times पर डे, क्राइज फ्रिक्वेंटली, रेस्टलेस और गुड सकिंग रिफ्लेक्स. तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है, वी ऑल नो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी फॉलोड. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि बच्चे को 6 महीने तक हमने माँ का दूध ही देना है, एंड इन द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी विद इन 1 आवर जो हमारा है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड. सो अगर बेबी 8 to 10 times पर डे यूरिन पास कर रहा है तो दैट सजेस्ट कि द ब्रेस्ट फीडिंग इज एडिक्वेट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वायल इज EDTA, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट और लिथियम हिपेरिन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज EDTA. ठीक है, जो हमारा EDTA वायल होता है जिसको हम लेवेंडर और पर्पल वायल भी कहते हैं, वो हम हीमोग्राम के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि हम हमारा ब्लड स्मियर हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ब्लड टाइपिंग और स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट कर सकते हैं. वेयर एज अगर हम हमारा हिपेरिन की बात करते हैं तो हिपेरिन जो हमारा होता है दैट इज ग्रीन कलर. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली यूज बिकॉज दिस हिपेरिन विल इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो ये हमारे प्लाज्मा स्टडीज के लिए यूजफुल है. सोडियम सिट्रेट हमारा जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लू बैक्यूटेनर, जिसकी कैप जो होती है लाइट ब्लू होती है, एंड अगेन ये हमारे कोगुलेशन स्टडीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के लिए हम यूज करते हैं. लिथियम हिपेरिन और हिपेरिन आर सेम. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन इज, एंड द ऑप्शंस आर पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम और मैग्नीशियम. सो हमारा जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है दैट इज सोडियम, एंड इंट्रासेलुलर कैटायन जो है दैट इज पोटेशियम. सो हमारा जो आंसर है दैट इज पोटेशियम. नाउ द सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.